हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बिल्कुल अग्रवाला स्टाइल में कटहल का रस्सा। और बेसिकली इसमें थोड़ी अधिक ग्रेवी होती है, तो मेरे घर में इसको रस्सा कहा जाता है। आप इसको कटहल करी कहिए या जो भी कहिए। तो इसके लिए मैंने थोड़े से कटहल आलू को अलग अलग उबाल लिया है। घर की फ्रेश दही है, अदरक मिर्ची है, धनिया है और खटाई के लिए थोड़ी सी इमली है। कटहल को मैंने थोड़ा कम ही बॉईल किया है, बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं है कटहल। और जब कटहल को मैंने उबाला था उस टाइम में थोड़ी सी घी डाल दिया था, चाहे घी डाल दें चाहे ऑयल डाल दें। और उसके बाद इसको उबाल लें। कटहल को हम छील लेंगे और इसके जो बीज का छिलका होता है वो गलता नहीं है, कड़ा होता है, तो जो छिलके रहेंगे उनको हम हटा देंगे और कटहल को छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। कटहल को बॉईल करते टाइम ऑयल ज़रूर डाल दें और इससे कटहल बाद में बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं रहेगा। आलू को भी उबाल के छील लें और एक साइड में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल बिल्कुल गर्म है तो अब हम इसमें कटहल को फ्राई कर लेंगे। गर्म ऑयल में ही हम कटहल फ्राई करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। और कटहल जब थोड़े गुलाबी हो जाए तो उनको हम निकाल लें और सेम कढ़ाई में से हम ऑयल हटा के फिर इसी में हम तड़का लगाएंगे। और तड़का में एक चीज़ ऐसी डालते हैं जिसकी वजह से कटहल बहुत आसानी से पक जाएगा। तो आइए देखते हैं। ऑयल मैंने हटा दिया है, थोड़ी सी देसी घी डाली, उसमें तेज़पत्ता, जीरा, राई और अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से ही हमारा कटहल बिल्कुल भी भारी नहीं करेगा और आसानी से पच जाएगा। इसके बाद हींग डाल दें, थोड़ी सी हरी मिर्ची और अदरक। अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया था। और तड़का को होने दें, जब तड़का हो जाएगा तो इसमें हम मसाले भी डालेंगे। और मसाले में मैंने थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची डाली है। और मसाला जले नहीं इसलिए फटाफट से उसको चला लें और आलू को पानी के साथ थोड़ा सा डाल दें। ये ध्यान रखें हमारा तड़का बिल्कुल भी ना जले। और कटहल डाल दें, इसके बाद जो दही थी दही डाल दें। अभी इसमें पानी थोड़ा कम है तो दही के बाउल को धो के मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। इमली की खटाई लगभग 2 चम्मच है और इसको अब हम अच्छे से पकने देंगे। उसके पहले हम इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला और डालते हैं, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्ची और नमक। थोड़ी सी फ्रेश धनिया भी डाल दें। तड़का में मैंने बहुत कम मसाला डाला था इसलिए थोड़ा सा और ऐड कर दें। टोटल 2 चम्मच करीब गया है इसमें धनिया पाउडर और लाल मिर्ची। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं सब्जी बिल्कुल रेडी है। और ये बिना प्याज लहसुन की सब्जी आप एक बार बना के देखें, बहुत अच्छी लगेगी रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ। आज मैंने इसको पराठे के साथ सर्व किया है। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।